नमस्कार, मैं डॉक्टर शबीना खान, IVF स्पेशलिस्ट। रिसेंटली हमने सनराइज IVF सेंटर ओपन किया है, तो बहुत से लोगों को कुछ डाउट है। लोग ये जानना चाहते हैं कि IVF की प्रक्रिया कैसी होती है और इसमें कितना खर्च आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले ज़माने में लोग IVF के लिए जाते ही नहीं थे। लोग ये सोचते थे कि खर्च 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये बैठेगा, तो इसलिए वो डॉक्टर तक ही नहीं जाते थे कि हम अपना इतना महंगा इलाज नहीं करा सकते, और IVF की प्रक्रिया के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। अब पेशेंट, लेकिन अब जो IVF है, जो IVF टेक्नोलॉजी है, वो एक कॉमन इंसान के अप्रोच में हो गई है। इसका इलाज अब सस्ता हो गया है, काफ़ी पहले ज़माने के कंपेरेटिवली जो 4-5 साल पहले बहुत कॉस्ट आता था, अब कम है। अब इसमें अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सनराइज IVF सेंटर जो हमारा बरेली में स्थित है, इसमें हम कितने चार्जेस या किस हिसाब से कॉस्ट बैठता है मरीज का। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी मरीज आता है, उसका हम सबसे पहले एक एडवांस फर्टिलिटी चेकअप करते हैं, यानी जो महिला है और जो पुरुष है उनकी जाँच होती है। ये जाँच हमें ये बताती है कि या उसमें एक अल्ट्रासाउंड है, खून की जाँच है, और अगर मेल पार्टनर है तो उसके स्पर्म की जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें कराते हैं। अब इसमें जो जांच का खर्च बैठता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक का बैठ जाता है, और कभी कभी ये जांच काफ़ी ज़रूरी इसलिए होती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आगे ट्रीटमेंट क्या देना है मरीज़ को। अगर कम कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ दवाइयों से ही पेशेंट जो है कंसीव कर जाता है। अगर मान लीजिए अंडे नहीं बन रहे, तो हम अंडे बनाने के इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह चलाते हैं, टैबलेट देते हैं, और उनको मरीज को फर्टाइल पीरियड के लिए बताते हैं, तो वो उसी में कंसीव हो जाता है और उनको IVF की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पेशेंट IVF के लिए जाएँ और खर्च ज़्यादा उठाएं। तो ये जाँच मैंने आपको बता दिया कि जो एडवांस फर्टिलिटी चेकअप है हमारे सेंटर में 5-6 हज़ार रुपये में हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा एक पेशेंट ऐसा आता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या कोई ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है और स्पर्म्स जो हैं यानी शुक्राणु जो हैं वो बन रहे हैं, और थोड़ी छोटी मोटी परेशानी ही है, या ऐसी कोई परेशानी है कि जो शुक्राणु हैं वो एग्स तक जो है वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सब कंडीशन में हम मरीज को IUI प्रक्रिया के लिए कहते हैं, जिसमें थोड़ा ही कम स्पर्म्स हैं या स्पर्म्स जो है अंडे तक नहीं पहुंच रही है, तो IUI करते हैं। IUI का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये तक का बैठता है हमारे सेंटर पे, और जो सक्सेस रेट है IUI का वो कंपेरेटिवली थोड़ा IVF से कम है। यानी अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये 15 से 20% सक्सेस रेट है इसमें IUI करने में, IUI के जो पेशेंट रहते हैं उनको कराने में सक्सेस रेट ज़रा कम है। लेकिन ये बार बार कर सकते हैं, जैसे इस महीने करा, फिर उसके बाद अगर नहीं कंसीव होता है तो फिर हम अगले महीने भी ट्राई कर सकते हैं IUI। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा कंडीशन आता है जिसमें किन मरीजों को हमको IVF करना है। अगर हम देख रहे हैं कि एग्स हमारे अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं या डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जो कि भगवान ने हमें दे रखा है कि एक एग जो है या एक अंडा वो डेवलप होगा और धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ा होगा और उसके बाद मेच्योर होने के बाद ओवुलेशन हो जाएगा और कंसीव होता है। अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, या ट्यूब्स हमारी ब्लॉक्ड हैं यानी ट्यूब के जरिए वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, या क्या डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है कि एग्स हमारे मेच्योर ही नहीं हो रहे हैं, या जो शुक्राणु हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और काफ़ी कम है, तो इन सब कंडीशन में हम लोगों को IVF के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर IVF जो पेशेंट कराते हैं उनको खर्च के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मरीज या पेशेंट ये इस बात समझ ही नहीं पाता है कि ये IVF है क्या। देखा जाए तो ये जो एग्स हमारे निकलते हैं अंडे की थैली से, जब अंडा फूटता है तो उसके बाद वो ट्यूब्स में जाता है, ट्यूब्स में वहाँ नीचे से स्पर्म आता है और वो दोनों वहाँ ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज होते हैं और वहाँ पे एक एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। लेकिन अगर हमारा ये घून बन ही नहीं रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है जो हमारा ट्यूब के अंदर बन जाना चाहिए था, तो उसको हम लोग लैब में करते हैं, इसी को हम IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये IVF टेक्नोलॉजी में जो खर्च की बात देखा जाए तो वो दो, इसका खर्च दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो हॉस्पिटल की फीस क्या है, यानी एम्ब्रियो बनाने तक का क्या खर्चा आता है, जैसे उसमें हमने ये डॉक्टर की कंसल्टेशन है, लैब का चार्ज है, या कल्चर मीडिया क्या हम यूज़ कर रहे हैं,
और अंडे निकाल रहे हैं या जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारे खर्च हमारे मुझे ये लगता है कि इसको हम लोग अगर देखें तो 25 से 30 हज़ार रुपए में हम ये सारा काम कर देते हैं। फिर दूसरा एक खर्च आता है जो इंजेक्शंस का है या दवाइयों का खर्च है। ये दवाइयों का खर्च ही ज़्यादा हमें क्या कहते हैं बैठता है, क्योंकि ये जो है दवाइयाँ या इंजेक्शंस, ये हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। कुछ दवाइयाँ हमारी जो है हिंदुस्तान में अवेलेबल है, कुछ हमारी दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। तो इन दवाइयों का खर्चा अगर देखा जाए कि एक IVF प्रोसीजर में कम से कम 10 से 12 इंजेक्शन लग ही जाते हैं एक पेशेंट को, और उसका खर्चा 80 से 80 to 90 thousand rupees तक का बैठता है। तो अगर हम बेसिक एक IVF की कॉस्ट देखें तो 1 to 1.25 lakhs में हम लोग क्या कहते हैं कि एक IVF प्रोसीजर कर सकते हैं। अब लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ये होता है कि ऐसे ही नहीं है कि जो बेसिक यही एक प्रॉब्लम है और कि इसी से काम चल जाए। अगर कभी कभी हमें जो हम एग्स बनाते जो एम्ब्रियो बनाते हैं तो हम लोग उसको अब आजकल कल्चर करने लगे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। पहले 3 दिन का ही हम घूंड ले लिया करते थे, अब हम उसे चाहते हैं कि वो 5 दिन का लिया जाए। ठीक है, तो वो उसका जो आउटकम है या उसके प्रेगनेंसी रेट है वो बहुत अच्छे हैं। या हम मान लीजिए ICSI वगैरह प्रोसीजर करते हैं, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम लोग एक ही एग को लेके एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज कर देते हैं लैब में। तो या लेजर हैचिंग करके एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, या किसी महिला के जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो अच्छी नहीं है, उसको हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हम उसके एम्ब्रियो को फ्रीज करा रहे हैं, रख रहे हैं। जो ये सारे एडवांस चीजें हम करते हैं तो वो हमें कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपए तक का खर्चा वो बैठता है। अगर अब हम ये देखें कि अगर टोटल कॉस्ट एक IVF का, अगर बेसिक कॉस्ट हमने देख लिया तो 1.2 1.4 ऐसे बैठता है। या मैक्सिमम अगर हम लोग अगर एडवांस टेक्नोलॉजी से रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं 80 to 95% 90% या 70 to 80% हमारे IVF टेक्निक से बच्चे हो जाएं, तो उस कंडीशन में मतलब 1.5 से 1.75 लाख रुपए तक का खर्चा बैठ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि मरीज जो होता है वो IVF स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता है। पहले जब बच्चे जिसके नहीं होते तो वो एक समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता था कि हाँ ये बाँझपन है, इनको बच्चे नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ये IVF टेक्नोलॉजी से बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्हें बच्चे हुए हैं और वो माँ बनने का गर्व महसूस कर पाई हैं वो औरतें। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आपका हो सकता है कि कारण कोई भी हो, उसका निवारण आपको कराना चाहिए और एक IVF स्पेशलिस्ट से आपको आके मिलना चाहिए। खर्च के बारे में मरीज को देख के उसकी जांच करके ही पता चलता है। हम अपने दिल दिमाग में ऐसी कोई बात ना रखें कि ज़्यादा ही खर्च बैठेगा। कभी कभी हमारा कम खर्चों में भी अच्छा काम हो जाता है। और हम यहाँ बरेली सनराइज IVF में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे कंसल्टेशन कर रहे हैं। अगर किसी मरीज को फ्री में ही अगर कोई जानकारी चाहिए तो आके हमसे कंसल्ट कर सकता है कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है और कितना खर्च बैठेगा, तो प्रैक्टिकली हम उसे समझा पाएंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।